मन में इच्छा रहती है कि एक पार्टनर तो होना ही चाहिए। कोई शारीरिक पार्टनर का कोई इशू नहीं है इसमें, बस एक पार्टनर चाहिए होना। हर समय मेरे साथ ही रहे और बहुत जोली मूड के थे, मुझे छेड़ते रहते थे हर समय। दिल में चोट लगी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी चोट लगी मेरे को। इनके जाने से मैं सोचती कि अब मैं जिंदगी कैसे निकालूंगी, मैं क्या करूंगी। एक्चुअली मेरे साथ इनका बहुत टच था, मैं रेडी भी होती तो इनको दिखाती मैं ठीक से रेडी हो गई क्या। मैंने इतना टच था कि मैं एकदम, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस समय कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं ऐसे जिंदगी कैसे जीऊंगी अंकल के बिना। मुझे लगा कि मेरा एक कोई लाइफ पार्टनर बनने से मेरी जिंदगी अच्छा से निकल जाएगी। शुरुआत में मैंने ससुराल वालों को ही बोली ये बात कि मैं ऐसे जिंदगी जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। सुन के एक बार तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बहुत बड़ा घर है, सोसाइटी क्या बोलेगा, समाज वाले सब सारा कुछ दिमाग में चलने लगता है। मेरी पीढ़ी के जितने भी लोग हैं, अगर उनके कोई भी मम्मी या पापा अगर सिंगल है और पर्सनली अगर वो खुद चाहते हैं कि उन्हें एक लाइफ पार्टनर अपने लाइफ में चाहिए, तो फिर बीइंग अ चाइल्ड हम लोगों को उनके इस भावना का समर्थन करते हुए उनका सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे बच्चे लोग ने बहुत साथ दिया इस बात के लिए, बहुत साथ दिया। बोले मम्मी तुम टेंशन मत करो, तुझे पार्टनर चाहिए हम लोग ढूंढ के देंगे। क्योंकि हर इंसान सोच लेता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, और सोच सोच में वो अपनी लाइफ को खत्म कर देती है ऐसे। मेरी वाइफ की 2013 में डेथ हो गई थी। हमारी मुलाकात सब 2018 में हुई थी। गुवाहाटी जाना हुआ तो वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो मुझे भी पार्टनर की तलाश थी और इनको भी पार्टनर की तलाश थी। उसके बाद में हम दोनों जो है फोन पे बात होती रही। हम लोग बात करते रहे 5 साल तक। तो मेरी बेटी भी जो है मैरिड लाइक शादी लाइक थी। तो इन्होंने हमने वेट किया एक दूसरे का, बोला अपनी बेटी की शादी कर दो, उसके बाद अपन करेंगे। पार्टनर होने से एक विल पावर भी आ जाता है और अपनी जिंदगी अच्छा से निकाल सकती है। इस एज के अंदर पार्टनर की बहुत जरूरत होती है और मुझे इससे बढ़िया पार्टनर कोई मिलता नहीं। किसी के साथ में भी ऐसी घटना हो जाए तो अपना विल पावर रख के, गलत काम कुछ करना नहीं है, लेकिन अपने जीवन के लिए अपना एक पार्टनर ढूंढ के अपना जीवन खुशी से निकाले। जब पति चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन दुनिया ये समझती नहीं है कि इसको क्या तकलीफ है। दुनिया यही बोलेगी इस एज में क्या जरूरत है पति की, चला गया तो चला गया, तुम धर्म करो, कुछ बिजनेस करो। वो अपना अपना विचार है। जब मेरे मन में खुशी नहीं है तो मुझे धर्म भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को लगता है कि इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा जीवन है, मेरा पर्सनल मामला है, मुझे खुश रहना है। अब हम रहेंगे एक दूसरे का तो प्यार भी रहेगा, एक दूसरे की देखभाल भी होगी, सब कुछ होगा।